तो आज बात करते हैं आधार कार्ड के कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे अपडेट करें। तो इसके कुछ सिंपल से स्टेप हैं। अब सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं तो इसको हम घर बैठे भी कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर कोई 5 साल से उसकी उम्र कम है तो उसका भी इनरोलमेंट आधार आप कर सकते हैं घर से ही। और मतलब आपको बायोमेट्रिक से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, उसके बाद डाक विभाग से आपके पास आने आएगा, वो आपका बायोमेट्रिक लेके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका अपडेट कर देगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट की एक लिंक है, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप उस पर लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं इस पेज पे भारतीय डाक के। तो यह है सर्विस रिक्वेस्ट। तो इसमें आप करना क्या है, इसमें नेम और एड्रेस, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सर्विस और सेलेक्ट सब कैटेगरी। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी भेजना है। ओटीपी डाल के आप वेरीफाई हो जाएंगे और यह आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो फिर डाक विभाग से वहाँ से एक 2 दिन में कन्फर्म हो जाएगा कि कब वहाँ से एक आदमी आएगा बायोमेट्रिक लेकर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर देगा। अगर आपका बच्चा है कोई 5 साल से कम तो उसका इनरोलमेंट भी आप करवा सकते हैं घर से ही। तो ये सरकार ने बहुत बढ़िया सुविधा दी है कि अब आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।